गाइस, तो जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी बैंगलोर पे, उस वीडियो पे इतना सारा प्यार मिला है आप लोगों का। काफी सारे लोगों ने वीडियो को देखे और कई लोगों ने बेसिकली उस पे अलग अलग कमेंट किए। बट मैंने कुछ लोगों के कमेंट पढ़े जिन्होंने किए हुए कि भाई आपने जो भी जॉब्स बताया उसमें सारे ठीक है, बट आप ये बताओ उसमें आपने थोड़ा सा एज अ वेटर वर्क के बारे में बताया था कि आप किसी भी होटल में रेस्टोरेंट में एज अ वेटर का काम कर सकते हो, तो इसके ऊपर थोड़ा डिटेल वीडियो बनाओ। कितना सैलरी मिल जाता है, रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि अप्लाई कैसे करते हैं, तो मैं आपको सारी चीज शेयर कर देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को रिक्वायरमेंट शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बैंगलोर में काफी सारे होटल रेस्टोरेंट में तो आपको आराम से मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होती है इसमें अप्लाई करने में, तो सारी चीज शेयर करूंगा। पहले रिक्वायरमेंट आपको शेयर कर देता हूँ। देखो, रिक्वायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, मिनिमम 10th के बाद या फिर 12th के बाद आराम से ही काम कर सकते हो, ठीक है। ये एक थोड़ा डिसिप्लिन वाला वर्क होता है, थोड़ा एक वेटर का जो इसमें बातचीत करने का भी तरीका आपको थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी खराब तरीके से या फिर देसी स्टाइल में बात करो, अच्छे से ही बात करना होता है, ठीक है। कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, जैसे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड हो जाता है, आपकी जो लीगली एज होनी चाहिए वो 18 एबव होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारे होटल रेस्टोरेंट में जॉब होते हैं वो 18 के बाद ही निकलते हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अप्लाई करने के लिए मेरे को जो ट्रस्टेड वेबसाइट लगता है, Indeed.com हो गया, Naukri.com हो गया, LinkedIn हो गया, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, HR का नंबर मिल जाता है, कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाता है, तो मेरे को ट्रस्टेड लगता है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। सैलरी की अगर बात करें तो वेटर की जो ऑन एन एवरेज सैलरी मिलती है वो लगभग 12,000 से लेकर के 18,000 तक पर मंथ मिलता है। डिपेंड करता है आपकी वर्किंग आवर के ऊपर और होटल्स के ऊपर भी, जो लग्जरीज होटल्स होते हैं उसमें ज़्यादा मिलते हैं। डाउट कमेंट करो, बाय बाय।